दोस्तों कहते हैं कि अगर तुम सचमुच कुछ करना चाहते हो तो तुम एक तरीका निकालोगे, और अगर नहीं तो तुम एक बहाना जरूर ढूंढ निकालोगे। अ वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू दोस्तों, स्वागत करते हैं आप सभी का एजुकेशन के 86 में, और रुख करते हैं बिहार की तरफ। दोस्तों बिहार में ही नहीं पूरे देश में जितने भी मदरसा शिक्षक बोर्ड हैं उन सभी को यहां पर भारत सरकार ने अरबों रुपए दे डाले हैं। जी हाँ दोस्तों, अब इन शिक्षकों का वेतन भी यहां पर क्लियर हो जाएगा, तो जिसकी आवश्यक सूचना ये अपने चैनल के माध्यम से मैं आपको देने जा रहा हूं। दोस्तों बहुत सारे क्वेश्चन जो थे वो कल के वीडियो पे आए थे, जिसमें कि मैंने मदरसा बोर्ड के सारे ऑफिशियल नोटिफिकेशन को बताया है और उसमें सारी जानकारी भी दी है, और मैंने ये भी चीज बताया है कि 17 अगस्त को इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन इसके ऑफिशियल वेबसाइट पे दे दिया जाएगा, और ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक भी उस वीडियो में बताया था। तो दोस्तों उस ऑफिशियल नोटिफिकेशन पर जाके सारा डिटेल चेक करते रहिए, उसके वेबसाइट पे भी जाकर। ओके, अब यहां पे एक सवाल जरूर उठा था हमारे लिए कि सर इसका सैलरी कितना मिलेगा। बहुत सारे सवाल थे कि सैलरी को लेकर कि सर इनकी शिक्षकों की सैलरी कितनी होगी, तो इसके बारे में हम आज चर्चा करेंगे इस वीडियो में, और क्या है आखिर ये न्यूज जो कि यहां पे आपको इस वीडियो के जरिए बताना चाहता हूं मैं। पूरा वीडियो देखिएगा अंत तक। दोस्तों अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल पे जाएं, सब्सक्राइब के इस रेड कलर के बटन को दबा के चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करते ही एक बेल का आइकन आएगा, उसे भी दबा लें ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले हमारे चैनल के माध्यम से जा सके। दोस्तों आप देख सकते हैं कि आज एक और नया वैकेंसी निकाला है बिहार में, बिहार ग्रामीण डाक सेवक को लेकर। जी हाँ दोस्तों, ये बिहार में ही नहीं, बिहार के अलावा 5 ऐसे और राज्य हैं जहाँ पर इसकी वैकेंसी निकाली गई है। दोस्तों इस वीडियो को जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि ये यहाँ पर लिंक एक्टिवेट कर दिया गया है इसको आवेदन करने का। सर्वर डाउन है क्योंकि बहुत सारे लोग यहाँ पर अप्लाई कर रहे हैं, और ये देखिए कल मैंने एक वीडियो दिया था दोस्तों आपको इसी से रिगार्डिंग टीचर वैकेंसी के लिए, जिसमें कि 3381 पदों की नई नियुक्तियों के बारे में बात की गई है। 17 अगस्त को इसका सारा डिटेल मैं दूंगा ऑफिशियली, अगर इसका नोटिफिकेशन इसके ऑफिशियल वेबसाइट पे आ जाएगा तो सबसे पहले आपको यहां से मिलेगा इसकी जानकारी। दोस्तों इसी से रिलेटेड बहुत सारे सवाल यहां पे उठे थे और पूछे गए थे कि सर इसका सैलरी क्या होगा और कब से इसको अप्लाई हम लोग ऑनलाइन कर सकते हैं इस रिक्रूटमेंट का। तो इसके बारे में एक सारी जानकारी तो मैंने दे ही दी थी लास्ट वीडियो में, पर कुछ पैसों की बात हो जाए यहाँ पे कि कितना बजट यहाँ पे आवंटन हुआ है बिहार मदरसा बोर्ड को भी, तो देखते हैं इस वीडियो के माध्यम से, और हम लेकर चलते हैं आपको इस न्यूज़ पे जो कि आज के खबर प्रभात में इसके बारे में कुछ लिखा गया है। दोस्तों यहाँ पे बताया जा रहा है कि मदरसा बोर्ड के विज्ञान शिक्षकों को लिए यहाँ पे केंद्र सरकार ने 1,14,00,000 रुपये तक का यहाँ पे किया है आवंटन। तो चलिए जानते हैं इसका क्या करेगी अब हर सरकार, जो कि मदरसा बोर्ड क्या करेगी इस पैसों का। तो बिहार राज्य की अगर बात करें तो बिहार राज्य मदरसा बोर्ड ने राज्य के 1,127 मदरसों के केंद्र को यहां विज्ञान शिक्षकों की वेतन का अधिक खर्च करने के लिए 1,14,00,000 रुपए की अधिक सी राशि केंद्र सरकार से मांगी है। दोस्तों ये जो राशि आई है ये सिर्फ और सिर्फ पूरे बिहार के लिए आई है, और जबकि हर स्टेट में मदरसा बोर्ड होता है वहाँ भी कुछ राशि पहुँचाई जा रही है जो कि यहाँ पे मांग की जा रही है सरकार से, और ये पहुँचाई जा रही है। तो यहाँ पे बिहार सरकार को सिर्फ मिल रहा है 1,14,00,000 रुपए, जो कि माफ कीजिएगा 1,14,00,000 रुपए, जो कि यहाँ पे बिहार सरकार को इन 1,127 केंद्रों पर भेजने का आदेश दिया गया है। अब इनमें ये जो पैसे आएंगे दोस्तों, मैं आपको एक चीज़ क्लियर कर देना चाहता हूँ कि ये जो सारी की सारी राशि है इन सभी शिक्षकों को मिलेगी, और हर एक केंद्र पर 3 ऐसे साइंस के टीचर होंगे, ठीक है, ये भी मैंने आपको कल बताया था, और सिर्फ साइंस शिक्षकों की ये लिए आया है बहाली के लिए पैसा। अब यहाँ पे इतना बड़ा अमाउंट अगर आ चुका है बिहार में तो 17 अगस्त का थोड़ा इंतज़ार और कर लीजिए, क्योंकि उस दिन जरूर कुछ ना कुछ आपके लिए गुड न्यूज़ निकलने वाली है। यह राशि प्रति शिक्षक 25,000 के हिसाब से 3381 शिक्षकों को मांगी गई है। अब ये 25,000 जो है आपकी सैलरी हो गई दोस्तों, ठीक है, अब ये सैलरी क्या होगी यहाँ पे आपकी, तो 25,000 पर जो कैंडिडेट है यहाँ पे 25,000 रुपये सैलरी है, और ये 3381 शिक्षकों के लिए मांगी गई है जिसकी ये वैकेंसी यहाँ पे निकाली जा रही है। इस संबंध के राज्य मदरसा बोर्ड के अध्यक्ष अब्दुल क्यूम कुरैसी ने सोमवार को नई दिल्ली में, जी हाँ दोस्तों सोमवार को नई दिल्ली में मानव संसाधन विकास मंत्रालय निदेशालय के अपना बजट प्रस्ताव पेश किया है, और उसमें ये प्रस्ताव निकलकर सामने आया है। निदेशालय ने प्रस्ताव को मंजूरी के लिए वित्त मंत्री के पास भेजने का बात कही है, और मदरसा बोर्ड के अध्यक्ष अंसारी और केंद्रीय शिक्षा निदेशालय के अफसरों के बीच लंबी गुफ्तगू भी हुई है। तो दोस्तों मैं आपको यहाँ पे एक चीज़ क्लियर करना चाहता हूँ
कि इन पैसों के लिए यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा लंबी बातचीत चली है कि इन पैसों को बिहार सरकार को दिया जाए ताकि वो अपने हर सेंटर को, 1127 सेंटर है मदरसा शिक्षा बोर्ड की तरफ से यहाँ पे पूरे बिहार में, तो इनके सुधार के लिए, इनके शिक्षकों के वेतन के लिए ये पैसा यहाँ पे प्रस्ताव किया गया है। अब ये जो बातें कही गई हैं इनमें कहा गया है कि वित्त मंत्री का जब तक यहाँ पे, जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं उनका जब तक यहाँ पे सिग्नेचर नहीं होगा, इस पे मोहर नहीं लगेगा, ये पैसे आगे नहीं बढ़ेंगे, जिसके लिए यहाँ पे अफसरों के बीच में लंबी वार्ता चली है, गुफ्तगु हुई है। तो देखते हैं 17 अगस्त को आखिर क्या निर्णय निकल कर सामने आ रहा है। इसमें एक चीज़ और बता देना चाहते हैं कि इसमें प्रस्ताव पर सैद्धांतिक सहमति बनी और हालांकि इसका प्रावधान वित्तीय वर्ष 2019-20 में शामिल करना अनिवार्य होगा। तो ये 19-20 का होगा दोस्तों बजट के अंदर जो पैसा निकलेगा यहाँ से, और तभी जाकर वित्त मंत्रालय राशि जाकर दे सकेंगे। तो ये एक यहाँ पे कह सकते हैं कि बैरियर डाल दिया गया है इस शिक्षा विभाग के लिए कि अगर ये वित्त वर्ष 2019-20 के लिए लिया जा रहा है, उसके लिए काम किया जाएगा, तो ये पैसा जो है वित्त मंत्रालय बिहार सरकार को भेजने में देरी नहीं करेगी, ठीक है। और औपचारिकता पूरी करने के बाद निदेशालय इस प्रस्ताव को वित्त मंत्रालय को भेज देगा। और उल्लेखनीय है कि बिहार मदरसा बोर्ड के अध्यक्ष मंगलवार को भी नई दिल्ली में रहेंगे और इस दौरान वे पहले मिल चुकी है 6 करोड़ की जो राशि, उसको खर्च करने की अनुमति मांगेंगे। तो 6 करोड़ की जो राशि है वो सबसे पहले यहाँ भेज दी गई है बिहार में, और इसको खर्च करने की अनुमति लेने के लिए ये जो नेता दल हैं ये जाएंगे और मंगलवार को नई दिल्ली में इसकी बैठक होगी और वहाँ से आदेश लेकर इस 6 करोड़ रुपये का जो पैसा मिला इनको ये खर्च करने के ऊपर हम चर्चा करेंगे, ऐसा यह कहा जा रहा है। राशि खर्च करने की अनुमति मांगेंगे तथा बता दें कि इस राशि का इस्तेमाल बिहार मदरसा बोर्ड तय समय सीमा में खर्च नहीं कर पाया था, इसलिए जो कि अब इसको ये आदेश दिया गया है खर्च करने के लिए, और अनुमति मिलने के बाद मदरसा बोर्ड शिक्षकों के लंबित वेतन भुगतान पर खर्च भी कर सकेगा। दोस्तों आपको मैं ये चीज़ क्लियर कर देना चाहता हूँ कि सारा जो डिटेल है ये और सिर्फ इसके बजट को लेकर है कि इतना पैसा जो है वो आने वाला है बिहार मदरसा शिक्षक बोर्ड को, और ये एक तरह से समझिए कि मिल चुका है, अब इसमें ज़्यादा देरी नहीं होगी, वित्त मंत्रालय का सिर्फ मोहर लगना है और वित्त मंत्रालय का मोहर लगते ही, और ये 19-20 जी हाँ 2019 और 2020 के कार्यकाल के लिए पैसा निकाला जाएगा और इसको मदरसा शिक्षक बोर्ड के शिक्षकों की जितनी सैलरी बची हुई है उनको भी देंगे और 25,000 रुपये सैलरी आपको दे होगी। तो ये नए शिक्षकों की भी होगी और जो पुराने शिक्षकों की यहाँ पे सैलरी बची है उनको भी इसी मानदेय के हिसाब से उनकी सैलरी दी जाएगी। तो ये तो था दोस्तों यहाँ पे इस बोर्ड से निकला हुआ एक विज्ञापन जिसके बारे में हमने आपको सारी जानकारी दी, पर आपको क्या करना है कि जो वीडियो मैंने लास्ट में कल दिया है उस वीडियो को देखिएगा, उसमें सारी जानकारी भी दे दी है मैंने। और कब होगा तो 17 अगस्त को आपका एक नोटिफिकेशन दिया जाएगा, उस नोटिफिकेशन में सारी जानकारी स्टेप बाय स्टेप करके मैं बताऊंगा। और अगर आपका कमेंट आया कि सर भैया वहां पे आप हमें इसका रजिस्ट्रेशन करके भी बताएं, तो वो भी आपको मैं करके दिखा दूंगा, ठीक है। तो कोशिश कीजिएगा, 17 इंतज़ार कीजिए 17 अगस्त का, और कोशिश कीजिएगा कि आपके लिए कुछ अच्छा निकल कर आए। ये 3381 पदों की जो भर्ती निकल रही है ये नीट एंड क्लीन है और जल्द से जल्द इनकी नियुक्ति हो, ठीक है। सारी जानकारी देंगे उस वीडियो के माध्यम से, क्या एलिजिबिलिटी होगी, क्या आपका एज क्राइटेरिया होगा, क्या सैलरी होगा। सैलरी तो ऐसे क्लियर हो चुका है कि 25,000 रुपये आपकी सैलरी कम से कम होगी यहाँ पे, और क्या एज क्राइटेरिया होगा, इन सब के बारे में हम उस वीडियो में चर्चा करेंगे 17 तारीख को। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में इतना ही था, आप हमारे साथ बने रहें इसका बहुत बहुत धन्यवाद। और अगर आपने वो पुराने वीडियोज़ को नहीं देखे हैं तो हमारे चैनल पर जाएँ, चैनल पर जाने के बाद आप प्लेलिस्ट में भी जा सकते हैं। जैसे ही आप चैनल पर जाएंगे वहाँ पे आपको प्लेलिस्ट मिलेगा, और प्लेलिस्ट में यहाँ पे एक फोल्डर होगा जो कि बिहार की नौकरियों से रिलेटेड होगा। तो ये देखिए यहाँ पे आप जाके आप सारी बिहार की जॉब्स के बारे में देख सकते हैं, कौन सी वैकेंसी कब कब निकल रही है, कब से कब तक आवेदन करना है, और कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं, कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, जैसे कि बिहार पुलिस का अप टू डेट मैं आपको देता आ रहा हूँ, वैसे ही इस विभाग का भी अप टू डेट देता रहूँगा जब तक इसका सारा चीज़ क्लियर नहीं हो जाता है। चलिए दोस्तों, तो आशा करते हैं कि सारी जानकारी से आप संतुष्ट होंगे, और जो भी मेरे भाई बंधु इस वीडियो को देख रहे हैं एक दूसरे को शेयर करेंगे, एक दूसरे से शेयर करने के बाद वीडियो को लाइक करेंगे। और आज के लिए इतना ही, हमारे साथ बने रहें इसका बहुत बहुत धन्यवाद। बाय बाय, टेक केयर, ध्यान रखिएगा अपना और अपने परिवार का।